रायपुर शहर भाजपा सह कार्यालय मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने परिवर्तन यात्रा पट्टा कांग्रेस सरकार के कार्य भ्रष्टाचार अपराध के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताया। मैं विक्रम सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला में सह कार्यालय मंत्री और गिरगांव मंडल का प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाला गया है वो प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, प्रदेश की जो जनता जो है वो तंग आ चुकी है इस कांग्रेस की सरकार, और उस कांग्रेस की सरकार को बदलने के लिए जो जनता आतुर है उसके संबंध में हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। और इस परिवर्तन यात्रा को छत्तीसगढ़ प्रदेश जनता का अपार प्यार मिला है, अपार स्नेह मिला है, और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा है वो पूर्ण रूप से 100% सफल रहा है। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से निश्चित तौर पर इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने के लिए बहुमत में कम से कम हम 60 सीट जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। भनपुरी हो, चाहे बिरगांव हो, चाहे गोगांव हो, चाहे गोंदवारा हो, ये 10 साल से स्थानीय जो अभी विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा जी वही विधायक थे। इससे पहले भी ये चाहते तो गरीबों को पट्टा वितरित कर सकते थे, लेकिन यही बिरगांव में आप देखिए कम से कम 50 से 100 घरों को तोड़ दिया गया है पट्टा वितरित के नाम से। अभी तक के पट्टा वितरण नहीं हुआ है, बिरगांव में पट्टा वितरण नहीं हुआ है, भनपुरी में जितने लोगों को पट्टे की आवश्यकता है उनको पट्टा नहीं मिला है। जो उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनको पट्टा वितरित कर रहे हैं, ये जनता को पट्टा वितरित नहीं कर रहे हैं। जो सही में मजदूर है, सही में जो बेबस हैं, जो एक झोपड़ पट्टी में जो रहते हैं, उनको पट्टा देने के बजाय ये अपने समर्थकों को, अपने लोगों को ये पट्टा वितरित कर रहे हैं। सरकार को भारतीय जनता पार्टी की हम 55 से 60 सीटों में जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाला है वो सफल होगा, और कांग्रेस के जो भ्रष्ट भय वाली जो सरकार है, कमीशनखोरी की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, आज नहीं इसने विकास कार्य के नाम पे एक भी विकास के कार्य, अगर भूपेश बघेल जी बता दें कि कहीं पे उन्होंने पुलिया बनाया है, किसी नदी में पुल बनाया हो, कहीं पे और कुछ किया हो, आज रायपुर के अंदर हर गलियों में, हर जगह पे आपको बिरगांव में देख लीजिए, हर वार्डों में आपको गड्ढे मिलेंगे, धूल से उड़ता गुब्बार है, प्रदूषण का यहाँ जो मात्रा है वो आज सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से रायपुर बहुत ही प्रदूषित शहर है। तो ये शर्म आनी चाहिए हमारे रायपुर शहर के अंदर में जो विधायक है ना, हमारे ये कांग्रेस के 3 विधायक हैं, नाम के विधायक है, काम इनका पूरा पिसड्डी है। बिरगांव में महापौर कांग्रेस का है, रायपुर शहर में महापौर कांग्रेस का है, लेकिन ये काम करने वाले नहीं है, ये सिर्फ अपने जेब भरने वाले हैं। और कांग्रेस की सूत्र नीति रही है पैसा कमाना और भ्रष्टाचार करके सरकार बनाना। ये झूठ और फरेब इन्होंने पिछले बार इतने वादे किए, झूठे वादे किए और झूठा वादा करके सरकार बनाए, और सरकार बनने के बाद में ये अपना एक भी वादा पूरा नहीं किए, चाहे दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण का काम हो, चाहे आपका जो एजेंट पल्स ग्रीन वाले उपभोक्ता लोगों का जो पैसा है, तो ये फर्जी टाइप से बात करके पूरा प्रदेश को फर्जी बना दिए। आज छत्तीसगढ़ जो 15 साल में जो विकास किए ये उसको विनाश का गढ़ बना दिए, ये गढ़वो छत्तीसगढ़ नहीं गढ़ावो छत्तीसगढ़ कर दिए। ये जो इनका काम करने का जो तरीका है ये बहुत है। आज आप ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर बलात्कार की घटना ना हो, हमने कभी नहीं सुना था छत्तीसगढ़ के अंदर कभी कोई सामूहिक बलात्कार हुआ है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि 16 साल 17 साल के बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, है ना, नशाखोरी अपराध
सट्टा जुआ, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि 25 करोड़ का चोरी करने वाला दिल्ली में पकड़ा के वो छत्तीसगढ़ का आदमी निकलता है, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है ना। यहाँ का एक सट्टा महादेव एप जो पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया, ऐसे लोगों को पनाहगार छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आज छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में तुली हुई है। छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश था, जो विकास और विकसित प्रदेशों में गिनती आने वाला था, उसको इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचार में काम करने वाले लोगों को एक झटके से दूर भगा करके भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए सोचती है, जो प्रदेश के लिए सोचती है, जो गरीब लोगों के लिए सोचती है, ऐसे सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए।